Hello everyone, I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy. Here we aim to crack MPPSC and Vyapam. Class ko start karne se pehle main aapko brief karna chahti hu hamare teen YouTube channels ke bare mein jahan par MPPSC aur Vyapam ke liye classes conduct ki jati hain. Ye teen channels hain Let's Crack MP Exams, MP360 aur Abhyan. Jis tarah in teen YouTube channels par classes conduct ki jati hain usi tarah तीन टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जहां पर इन क्लासेस का कंटेंट शेयर किया जाता है. ये तीन चैनल्स हैं लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स, अभियान और MP360. साथ ही में इन चैनल्स पर यूट्यूब के सेशंस की नोटिफिकेशन भी शेयर करी जाती है जिससे कि स्टूडेंट्स की कोई क्लास मिस ना हो. तो अगर आपने ये चैनल्स अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं अब आप इनको जरूर ज्वाइन करें. अब मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में. जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करवाते हैं, तो इस सब्सक्रिप्शन में भी ये बेनिफिट होता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो आप उन टॉप एजुकेटर्स में से भी अपने फेवरेट एजुकेटर को चूज करके उनसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं. लाइव यानी कि आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उस क्लास में आप उनके साथ एंगेज हो सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं. साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जो कोर्स कंटेंट मिलता है वो एग्जैक्टली आपके सिलेबस के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग होती है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है. साथ में जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बैचेस भी उन एग्जाम्स के लिए डिफरेंटली रन होते हैं, जिससे कि अगेन आपको क्लैरिटी रहे कि आप कौन से एग्जाम के कौन से कोर्स को या कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं. साथ ही में ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं ये आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट करते हैं जो लाइव होते हैं. यहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ क्लास के दौरान ही अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं. जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्लास लेते हैं, यानी कि जब आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेकर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपके पास बेनिफिट होता है पोल का, कमेंट सेक्शन का और क्विज लेने का. इसको हम कैसे इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो ये मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको ब्रीफ करूंगी. साथ ही मैं मेंशन करा है यहाँ पर कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लें आपको सिर्फ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आपके पास सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पर एक्सेस आ जाएगा. यानी कि लाइव क्लासेस तो आप अटेंड करेंगे अपने एजुकेटर्स के साथ, पर साथ ही में जितने भी उस कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस हैं या जो आने वाली क्लासेस हैं उन सब पर आपका एक्सेस रहेगा. जो भी वीडियोस होंगे आपकी क्लास के आप उनको डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं और जो पीडीएफ नोट्स यूज होंगे उस क्लास में वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे. यानी कि एक ही जगह पर आप क्लास भी लेंगे और साथ ही में आपको वहां से एग्जैक्टली आपके सिलेबस के हिसाब से नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे. तो दिस इज हाउ प्लस सब्सक्रिप्शन इज बेनिफिशियल फॉर यू. प्लस सब्सक्रिप्शन इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है बिकॉज एक तो यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट अनलिमिटेड होते हैं, नोट्स आपको हर एक टॉपिक के मिलते हैं और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस टॉप एजुकेटर्स लेते हैं. जबकि फ्री क्लासेस में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, आप इतनी एफिशिएंटली अपने कोर्स को कवर नहीं कर पाते हैं. साथ ही मैं आपको ऐसे कुछ क्लासेस के बारे में बता देती हूँ जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट हो रही है. यहाँ पर फर्स्ट है मिशन रैंक, जहाँ आप देख सकते हैं मेंशन है एमपी पुलिस कांस्टेबल प्री रिविजन कैंप, यानी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए एक फ्री रिविजन कैंप रन हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. ये स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को और ये रन होएगा 12 मार्च तक. तो जितने भी स्टूडेंट्स इस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें. ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं तो आप अभी अनअकैडमी ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. यहाँ पर पूरा कोर्स कवर किया जाएगा और साथ ही में एमसीक्यूज भी होंगे आपके एग्जाम के लिए. एमसीक्यूज के अलावा यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे एवरी सैटरडे को. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा स्केड्यूल है जहाँ पर सब्जेक्ट और एजुकेटर वाइज एंड टाइमिंग्स वाइज इन सारे कैंप्स के बारे में, इन सारे रिविजन के बारे में मेंशन है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट है एमपी पुलिस एंड एमपीएसआई के फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट. तो ये टेस्ट थे जो कंडक्ट किए गए थे एमपी पुलिस एंड एमपीएसआई के लिए, जहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन दी गई थी 1 महीने के लिए. तो जिस तरह ये कोर्स है उसी तरह अनअकैडमी और भी नए नए कोर्सेज या नए नए टेस्ट
सीरीज को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन का एक पार्ट होंगे तो आपके पास इन सारे अपकमिंग टेस्ट सीरीज, अपकमिंग बैचेस के अपडेट्स आते रहेंगे। नेक्स्ट है अनअकैडमी डेली एमपी जीके के फ्री टेस्ट सीरीज जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ्रेम करे गए हैं। ये टेस्ट रोज शाम को 6:30 होता है, जिसके बाद एक 1 आवर टेस्ट एनालिसिस किया जाता है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। और इन टेस्ट में भी जो टॉप 3 रैंकर्स हैं उनको अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन और अमेज़न के वाउचर्स दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की डेट काफी पास आ रही है, जो स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जरूर इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और अब मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बैच के बारे में। ये 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए विद आंसर राइटिंग सीरीज। इस बैच की स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च और यहाँ पर आप टॉप एमपी एजुकेटर्स के साथ क्लासेस अटेंड करेंगे। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और साथ ही में आपको इन क्लासेस में यूज करे गए नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो वो भी ये एजुकेटर्स आपके लिए क्लियर भी करेंगे। इस बैच को अटेंड करने के लिए आपको आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बैच आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में। आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में पूरा का पूरा कोर्स भी कवर हो रहा है। तो ये एक लिस्ट है, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट मेंशन करी है जहाँ पे फेब्रुअरी के सारे बैचेस के बारे में मेंशन किया गया है। जिस तरह फेब्रुअरी के बैचेस थे जो इंट्रोड्यूस हुए थे और करंटली रन हो रहे हैं, उसी तरह ये लिस्ट है मार्च के सारे बैचेस की जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं और आगे फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ये बैचेस आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट है 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी ही ब्रीफ करा था, इसकी स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च। और दूसरा है एमपी पुलिस रिविजन कोर्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 3 मार्च। और इसके बाद बाकी के बैचेस के बारे में भी मैंने मेंशन करा हुआ है, अगर आप किसी और बैच में भी एनरोल करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। अब मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर न्यूली इंट्रोड्यूस करे गए हैं। तो इसमें से फर्स्ट है लाइव क्विज। अब जो स्टूडेंट्स प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको पता होना चाहिए कि आप इस क्विज को कैसे अटेंड करेंगे। आपके मोबाइल फोन्स पर एक टेस्ट आइकन आएगा इस तरह से, इस पर क्लिक करके ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आएगा। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप लाइव क्विज का एक पार्ट बन जाएंगे, आप उसको अटेंड कर पाएंगे। साथ ही में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए भी आप इस टेस्ट आइकन पर क्लिक करें और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उसको आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फोर्टनाइटली करंट अफेयर मैगजीन्स भी इंट्रोड्यूस करी गई है और ये सारे फीचर्स, ये सारे बेनिफिट प्लस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड करे गए हैं। सो आप देख सकते हैं ये हर तरह से आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो आपको जरूर इस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए। ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के लिए होती है अवेलेबल। इसके अलग अलग पीरियड्स हैं जिसके अलग अलग चार्जेस हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इस कॉलम में पर मंथ पेमेंट के अमाउंट्स लिखे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए अमाउंट सबसे कम है। यानी कि 12 मंथ के लिए अमाउंट है 733 और 24 मंथ के लिए है 533। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें आप या तो 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं या फिर 24 मंथ की, और इस अमाउंट को आप और बेटर कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करके जो कि है Sonal10। इससे आपको अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये अमाउंट और कम हो जाएगा। अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि आप लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे। तो आपके मोबाइल फोन पर इस तरह से बैच की नोटिफिकेशन आएगी, बैच की डिटेल्स आएंगी और यहाँ एक ऑप्शन आएगा एनरोल इन बैच का। ये करने के बाद इस तरह से आपके पास सारे अपडेट्स आए करेंगे टॉपिक वाइज और क्लास वाइज। जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी क्लासेस के कंडक्ट होने के बारे में वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। और हर क्लास के बाद, हर क्लास के ही नीचे आपके पास ये ऑप्शन आएगा व्यू पीडीएफ का, यानी कि आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में आप पोल
में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास में। और अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को भी क्लियर करवा सकते हैं, या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप अपने एजुकेटर को इस फॉर्मेट में सेंड करके पूछ सकते हैं क्लास के वक्त। डाउट क्लियरिंग के लिए स्पेशली सेशंस भी क्रिएट करे जाते हैं, जिसके अपडेट्स आपको इस तरह से इस कॉलम में मिल जाएंगे अपने मोबाइल फोन पर, और वीकली और मेगा क्विजेस के लिए भी आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को मिलते हैं, तो आप भी इन बेनिफिट्स को जरूर अवेल कीजिए, सब्सक्रिप्शन को लीजिए और अपने एग्जाम्स को एक ही गो में क्रैक कीजिए। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आप सबसे। मेरा नाम है सोनल नय्यर, मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद मैंने एमकॉम करा है पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे पास 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मैं इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लूंगी, जो एमपीपीएससी और बाकी के कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारा टॉपिक मेंशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है, ये क्लास मैंने कंडक्ट करी है बैंकिंग कोर्स के अंदर। ये क्लास है बैंकिंग कोर्स का पार्ट 2। ओके, हम बैंकिंग कोर्स का ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हमने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, यानी कि हमने देखा था कैसे इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद और कौन से बैंक थे जो एस्टैब्लिश हुए, फिर उनको रिऑर्गेनाइज किया गया, और उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको हमने कवर करा है अपनी लास्ट क्लास में। इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स भी कवर करे थे, जहां पे हमने अलग अलग बैंक्स के बारे में पढ़ा था। तो ये वो पार्ट है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं इट हैज द सोल अथॉरिटी, इट हैज द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट, करेंसी नोट्स, यानी कि आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो हमारी कंट्री के करेंसी नोट्स को प्रिंट कर पाए। तो अब हम आरबीआई के एक टाइम सीरीज फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 ईयर्स मेंशन है और इन ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको भी मेंशन करा हुआ है। इसको मैंने इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा है जिससे कि आप लोगों के लिए इसको याद रखना आसान हो। काफी शॉर्ट में यहाँ पर आपको इस इन ईयर्स की डिटेल्स दी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी ये ईयर्स कैसे आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में जो लोग एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आपके लिए ईयर और साथ में उस ईयर में जो भी चीज हुई है उसकी जो रेलिवेंस है वो याद होनी आपको काफी जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर है 1934। 1934 में मेंशन किया गया है द ब्रिटिश इनएक्टेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि पहला जो साल है जो आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है वो है 1934, जिसमें आरबीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फर्स्ट पीस ऑफ नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड ईयर है 1935। 1935 के लिए उन्होंने मेंशन करा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल इन कोलकाता, यानी कि नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, और ये हुआ है 1935 में। क्या आप देख सकते हैं आरबीआई एक्ट 1934 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पर आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुई थी, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन दोनों ईयर्स में कंफ्यूज मत होना। साथ ही में यहाँ पर मेंशन करा है कि आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुई थी और ये आरबीआई उस टाइम पर लोकेटेड था कोलकाता में, ठीक है। सो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर है
उसका रेलेवेंस इसी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट ईयर आता है ईयर 1937, जहां पर मेंशन करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई, यानी कि पहले आरबीआई लोकेटेड था कोलकाता में, उसके बाद आरबीआई को मूव कर दिया गया मुंबई में, ठीक है। और ये कौन से ईयर में हुआ? ये हुआ 1937 में। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने 3 ईयर्स कंप्लीट करे हैं, और इन तीनों ईयर्स में से फर्स्ट ईयर में हमने देखा कि आरबीआई एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1934 में, सेकेंड ईयर में आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1935 में, थर्ड में आरबीआई को परमानेंटली मूव किया गया था मुंबई में 1937 में, और नेक्स्ट ईयर जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1949। 1949 में मेंशन करा है कि नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनलाइजेशन? नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? नेशनलाइजेशन मींस गवर्नमेंट ओन्ड, यानी कि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था, यानी कि अब ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है, और ये हुआ था इन द ईयर 1949। यानी कि इसका मतलब है कि 1949 से पहले आरबीआई प्राइवेटली ओन था, यानी कि आरबीआई को कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते थे, बट 1949 में गवर्नमेंट ने इसका मेजर स्टेक परचेज करके अब ये गवर्नमेंट ओन्ड हो गया है। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि नेशनलाइजेशन टुक प्लेस। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, नेशनलाइजेशन टुक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, द बैंक वॉज हेल्ड बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर्स बिफोर दिस। इसीलिए इस ईयर की रेलिवेंस सबसे ज्यादा है इन सारे ईयर्स में से। नेक्स्ट ईयर आता है 2016। तो 2016 में यहाँ मेंशन करा गया है कि जो आरबीआई एक्ट था जो 1934 में इंट्रोड्यूस हुआ था, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने पढ़ा है, आरबीआई एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1934 में, इसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए थे, और ये जो चेंजेस थे ये रिलेटेड थे इन्फ्लेशन टारगेटिंग के इम्प्लीमेंटेशन से, यानी कि अब यहाँ पर इन्फ्लेशन के रेट को मेजर करना था, इसको कंट्रोल करना था, और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का मतलब है कि फ्लेक्सिबल टर्म्स पर इन्फ्लेशन का जो रेट मेंटेन होना चाहिए उस पर टारगेटिंग करी जा रही थी। तो ये चेंज इंट्रोड्यूस करा था आरबीआई एक्ट 1934 में, और ये जो चेंज था ये किस साल में आया? ये चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने वो सारे 5 ईयर्स पढ़ लिए हैं जो आरबीआई से रिलेटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1934 टू 1935 टू 1937, देन 1949, एंड लास्टली कम्स 2016। तो ये सारे ईयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से जैसे मैंने मेंशन करा है स्लाइड में, इस तरह से लर्न करना आपके लिए और भी ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को फॉर्म क्यों करा गया था और इनका एम क्या था। इट सेज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का फिक्सेशन होएगा। इस कमिटी को इसीलिए फॉर्म करा गया था बिकॉज एम था, इट वॉज फॉर्म्ड फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि यहां पर अब इस चीज को देखना था कि जो चेंजेस आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट में और उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे इन्फ्लेशन में, उसके रीजंस क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना एक उनका फैक्टर था, फैक्टर ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा था अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अब नॉर्मली हाई होगा या फिर अब नॉर्मली लो होगा, तो उसके लिए किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को बनाया गया था, इसको फॉर्म किया गया था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो कौन हैं और कितने मेंबर्स होते हैं इस कमिटी के? तो इस कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और ये जो 6 मेंबर्स हैं इनको फर्दर कैटेगराइज करा गया है दो कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं 3 मेंबर्स। ये जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं ये है आरबीआई के ऑफिशियल्स, यानी कि 3 मेंबर्स तो आरबीआई के ऑफिशियल्स होंगे इस कमिटी में, और जो बाकी के 3 मेंबर्स हैं, जो बाकी के 3 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा, उनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करेगी। तो आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स में से 3 आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं और बाकी के 3 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आपको पता होना चाहिए वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन कौन होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन हैं जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन होंगे। और अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्या आप बता सकते हैं? इसका आंसर है शक्तिकांत दास। यानी कि ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, या आरबीआई के गवर्नर है और इसीलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के चेयरमैन भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में एक्चुअल में डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। पर यहां पर कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर टाई हो जाए, जहां टाई हो जाए, डिसीजन ना लिया जाए। तो इसीलिए यहां पर मैं मेंशन कर रही हूं कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पर टाई हो तो उस केस में गवर्नर, गवर्नर का जो वोट होगा वो कास्टिंग वोट कहलाएगा, यानी कि गवर्नर जिस डिसीजन के लिए वोट करेंगे वो डिसीजन कास्टिंग वोट होगा, बिकॉज मेजॉरिटी उस डिसीजन के लिए आ जाएगी और उसको फाइनल माना जाएगा। तो ये था मॉनेटरी कमिटी के कॉम्पोजिशन के बारे में, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव और फोकस के बारे में। साथ ही मैं यहाँ पर आपसे आपको इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर मैं करंट इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो वो कितने परसेंटेज का है जो ये मेंटेन करना चाहते हैं। तो करंटली दे वांट टू मेंटेन यानी कि कितना परसेंटेज का इन्फ्लेशन ये मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं करंटली दे वांट टू मेंटेन 4% ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन, ठीक है, till 31st March 2021। और इसी के साथ उन्होंने इन्फ्लेशन के मैक्सिमम और मिनिमम परसेंटेज भी मेंशन करी हुई है, यानी कि उनको लेवल मेंटेन करना है 4% का, पर क्योंकि ये जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है ये फ्लक्चुएट होता रहता है तो इसका जो मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लिमिट इन्होंने सेट करी है वो है 6% की, और जो मिनिमम लिमिट सेट करी है वो है 2% की। साथ ही मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जो टारगेट्स हैं इसके लिए आंसरेबिलिटी या कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो ये अकाउंटेबिलिटी रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की। और ये दो केसेस में होगा, अगर ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड करेगा, या फिर अगर ये मिनिमम लेवल को एक्सीड करेगा, यानी कि अगर जितनी भी रेंज है उसको एक्सीड करेंगे, चाहे एक्सीड करेगा मैक्सिमम लेवल को या फिर अगर ये कम हो जाएगा, इट विल एक्सीड द मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल से भी ज्यादा कम हो जाएगा तो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इस चीज के लिए आंसरेबल रहेगी।
तो आई होप इस कमिटी के जो फंक्शंस हैं, इस कमिटी के बारे में आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम ये देखेंगे कि आरबीआई का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर इन हिज बुक नेम्ड द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो क्योंकि यहाँ पर ये बुक मेंशन्ड है और साथ में यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी मेंशन्ड है, ये दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो जब भी आरबीआई की बात होगी आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीआई का कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है डॉक्टर अंबेडकर की बुक, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी its origin and its solution। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज इसको स्किप मत करना, इसको जरूर याद रखना, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। साथ में यहाँ पर मेंशन करा है द सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई वॉज established बेस्ड ऑन द suggestions ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन द ईयर 1926, यानी कि 1926 में रॉयल कमीशन के सजेशंस में आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई थी। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट रॉयल कमीशन के सजेशंस पर बेस्ड है। दिस कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, आपने इस कमीशन के बारे में पढ़ा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हिल्टन यंग कमीशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में। सो दिस वॉज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई। यहाँ पर आपको इस स्लाइड में पता लग रहा है कि आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वो कौन सी स्ट्रेटजीज पर बेस्ड था और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसके सजेशन पर बेस्ड थी। नेक्स्ट हम चलते हैं आरबीआई के प्रियम्बल पर। तो आरबीआई का जो प्रियम्बल है वो डिस्क्राइब करता है आरबीआई के बेसिक फंक्शंस। तो मैं अब आपके लिए इसको रीड करूंगी। इट सेज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि यहाँ पर करेंसी को इशू करने की बात कर रहे हैं, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ये कौन से रिजर्व्स हैं? ये वो रिजर्व्स हैं, चाहे गोल्ड रिजर्व हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, या फिर वो रिजर्व्स हो जो कमर्शियल बैंक के होते हैं आरबीआई के पास, क्योंकि इन सब रिजर्व्स को रखने का जो मोटिव है वो है टू मेंटेन, टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए रिजर्व्स मेंटेन करे जाते हैं। साथ में लिखा है एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी कि इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर टूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आरबीआई यूज करता है अपने क्रेडिट सिस्टम में, किस तरह से वो अपने टूल्स को यूज करके कुछ चेंजेस ला के इकोनॉमी के क्रेडिट लेवल को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो ये भी उनका एक फंक्शन है। To have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy. जैसा कि हमें पता है इंडिया एक काफी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और साथ में ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी है, इसलिए यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो अपडेटेड होना चाहिए, वो मॉडर्न रहना चाहिए, जिससे कि इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो भी चैलेंजेस आए वो आरबीआई एफिशिएंटली मीट कर पाए। और लास्ट मेंशन करा है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि ये चीज पर फोकस करना कि प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, ये भी आरबीआई की ही एक फंक्शन का पार्ट है। और साथ ही में आरबीआई को इन सारे फंक्शंस के साथ फोकस करना होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ पर, यानी कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लेवल्स को इंक्रीज करने पर। तो ये था आरबीआई का प्रियम्बल जिसमें आरबीआई के बेसिक फंक्शंस को मेंशन किया गया है। अब चलते हैं आरबीआई के फंक्शंस पर, जहां पर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में अब स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन जो मेंशन करा है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। ये मॉनेटरी पॉलिसीज होते क्या हैं?
ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनको आरबीआई यूज कर सकते हैं, और इनको आरबीआई यूज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को या तो बढ़ा सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं, और सेम ही तरह से क्रेडिट को भी इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से, इकोनॉमी में जो भी आरबीआई ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है उसके हिसाब से आरबीआई क्रेडिट के लेवल को भी फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट की बात कर सकते हैं या फिर जो रिजर्व्स आरबीआई अपने पास रखता है, ये टूल्स होते हैं जिससे कि आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। तो इट सेज इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज एंड इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आप प्लीज ये पॉइंट मत भूलना, प्राइस को मेंटेन करके रखना, यानी कि ना ही प्राइस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए, यानी कि स्टेबल प्राइस होना चाहिए इकोनॉमी में। ये भी आरबीआई का एक फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन है रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आरबीआई रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पूरी इकोनॉमी के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है पब्लिक की डिपॉजिट से लेकर पब्लिक के लोन्स तक, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट तक। यहाँ पर आरबीआई इन तीनों ही चीजों के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, यानी कि इनको आरबीआई वॉच करेंगे और आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन सब एरियाज में वर्क करने के लिए। तो द आरबीआई डिटरमाइंस कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, यानी कि बैंकिंग ऑपरेशंस के कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स का मतलब होता है इन डिटेल, सारे डिटेल्ड पैरामीटर्स हर एक एरिया को कंसिडर करते हुए ये जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे ये आरबीआई के थ्रू होगा। साथ में दीज मेथड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ये कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ स्टार मार्क करा हुआ है, ये मेथड्स मेंशन है यहाँ पर, लाइसेंस इशुइंग, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, बैंक मर्जर्स, ब्रांच एक्सपेंशन एटसेट्रा। यानी कि अगर किसी बैंक को लाइसेंस इशू करना है वो आरबीआई का फंक्शन है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स यानी कि अगर एसेट्स को बाय या सेल करना है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग तो वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दो या दो से ज्यादा बैंक्स को रीऑर्गेनाइज करके मर्ज करना है इनटू वन सिंगल बैंक, ये भी आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका एक फंक्शन है। और साथ ही में ब्रांच एक्सपेंशन, यानी कि अगर किसी भी बैंक के ब्रांच को एक्सपैंड करना है तो वो भी आरबीआई के फंक्शंस के अंडर आएगा। तो ये पहले दो फंक्शंस थे आरबीआई के जो हमने कवर करे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है पॉइंट नंबर 3, यानी कि मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है किसी भी और फॉरेन कंट्री की करेंसी, तो फॉरेन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है। आरबीआई को एक सर्टन लेवल का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसको यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेन एक्सचेंज टर्म को मिलाकर यहाँ पर ये टर्म फॉरेक्स लिखा गया है। ये रिजर्व आरबीआई क्यों मेंटेन करे, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, वहां पर लिखा होता है $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, यानी कि हम कितने रुपीज में पे करेंगे तो हम $1 ले सकते हैं। ये आपको पता होता है, ये एक वैल्यू होती है जो डिटरमिन की जाती है। अब क्योंकि आरबीआई का मेन एम है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा ना बढ़े, यानी कि $1 के वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज्यादा रुपीज पे करने पड़े $1 को खरीदने के लिए, इसीलिए आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रुपी आउटसाइड द कंट्री एंड इट एड्स फॉरेन ट्रेड पेमेंट, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इस फॉरेन एक्सचेंज में से हम ये करेंसी लेकर उनको पे कर सकते हैं। फोर्थ फंक्शन है इशुअर ऑफ करेंसी, यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक With a sufficient supply of currency notes and coins, यानी कि इकोनॉमी में करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही में करेंसी नोट्स और कॉइन्स को सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको सर्क्यूलेशन में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है।
इसीलिए यहाँ पर मेंशन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक विद अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड ऑल्सो इट्स सर्कुलेशन, यानी कि किस तरह से इकोनॉमी में करेंसी कॉइन्स और नोट्स की सर्कुलेशन होनी चाहिए, ये भी आरबीआई का एक फंक्शन है. तो अभी तक हमने चार फंक्शंस कवर करे हैं आरबीआई के. फर्स्ट था मॉनेटरी अथॉरिटी, सेकेंड था रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, थर्ड मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज और फोर्थ है इश्यूअर ऑफ करेंसी. अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट फंक्शन आता है डेवलपमेंटल रोल, फिफ्थ फंक्शन ऑफ आरबीआई. तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये भी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन एरियाज तक फाइनेंस यानी कि फंड्स पहुंचनी चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, उन एरियाज पर आरबीआई को फोकस करना चाहिए. क्योंकि वो जो एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं है, अगर वहां पर बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस दिया जाए, वहां पर अगर ये फैसिलिटीज दी जाए, तो वहां के लोग भी इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. चाहे उनको फंड्स चाहिए हो तो वो क्रेडिट ले सकते हैं, या फिर अगर उनको भी डिपॉजिट्स करने हो तो वो भी बैंक में डिपॉजिट्स कर सकते हैं, और ये डिपॉजिट उसी एरिया में लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, जिससे कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को बढ़ाया जा सकता है. तो इससे जो डेवलपमेंट का रेट होगा इन एरियाज में वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर मेंशन करा है आरबीआई का एक फंक्शन है डेवलपमेंटल रोल, जो कि फिफ्थ फंक्शन है. इट सेज प्रमोशनल फंक्शंस दैट सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई, यानी कि नेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि पूरी इकोनॉमी के हिसाब से बनाए जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव्स, और इनको आरबीआई फ्रेम करते हैं. ये ऐसे फंक्शंस हैं या ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जहां पर आरबीआई रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे. साथ ही में आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी देखना कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक क्रेडिट फैसिलिटी या लेंडिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करें. तो यहाँ पर मेंशन भी करा है द आरबीआई विल रेगुलरली इशू डायरेक्टिव्स टू द कमर्शियल बैंक्स टू लेंड लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि इन एरियाज में जो लोन प्रोवाइड करने हैं उसके लिए भी आरबीआई गाइडलाइंस इशू करते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए, जो उनको फॉलो करनी होती है. अब हम आते हैं सिक्स्थ फंक्शन पर, जो है बैंकर्स बैंक. तो अगर हम देखें आरबीआई हमारी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, यानी कि आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने के लिए, उनकी सर्कुलेशन के लिए और बाकी उन सारे फंक्शंस के लिए जो अभी हमने डिस्कस करे. पर आरबीआई पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता. आरबीआई डील करता है कमर्शियल बैंक के साथ, और कमर्शियल बैंक होता है जो डील करता है डायरेक्टली पब्लिक के साथ. यानी कि पब्लिक के साथ डायरेक्ट लिंक में कौन है? कमर्शियल बैंक है. यानी कि पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए हमारा बैंकर कौन है? हमारा बैंकर है कमर्शियल बैंक, पर इस कमर्शियल बैंक का बैंकर है सेंट्रल बैंक. इसलिए यहाँ पर वर्ड मेंशन करा है बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक यानी कि पब्लिक का जो बैंकर है उसका भी बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक का सुपीरियर है बैंकर्स बैंक. इसी के साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि बैंकर्स बैंक के लिए कहा जाता है दैट आरबीआई को बैंकर्स बैंक इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व. यानी कि कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व्स होते हैं वो भी कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है आरबीआई. जिस तरह पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक है, उसी तरह कमर्शियल बैंक के लिए अवेलेबल होता है आरबीआई. आरबीआई के पास इनके सारे कैश रिजर्व्स रहते हैं, और साथ ही में आरबीआई हेल्प करता है इनको. आरबीआई हेल्प्स टू मेंटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स. यानी कि
पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट करवाती है कमर्शियल बैंक के पास, पर उसके बाद कमर्शियल बैंक के भी जो रिजर्व्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, उसका एक परसेंटेज आरबीआई अपने पास रखवाता है। इसलिए हम कहते हैं आरबीआई के लिए दैट इट इज द अल्टीमेट, आरबीआई इज द अल्टीमेट होल्डर, अल्टीमेट होल्डर ऑफ कैश। यानी कि आरबीआई ही अल्टीमेट होल्डर होने वाले हैं कैश के, बिकॉज पब्लिक ने अपना पैसा कमर्शियल बैंक में रखा और कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स का एक पार्ट आरबीआई अपने पास एज रिजर्व्स रखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आरबीआई इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ कैश, यानी कि इनका पूरा कंट्रोल होता है कैश पर। इसको मैं रीड करती हूँ, अब इट सेज इट इज द कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है? जब पब्लिक को लोन चाहिए होते हैं या पब्लिक को फंड्स चाहिए होते हैं, तो पब्लिक जाती है कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, पब्लिक विल गो टू द कमर्शियल बैंक। पर जब कमर्शियल बैंक को फंड्स चाहिए होंगे, जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होगा, तो वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास। यानी कि यहां पर मैं मेंशन कर देती हूं, when banks have less funds, यानी कि जब बैंक्स के पास फंड्स कम होंगे, तो बैंक्स क्या करेगा? बैंक को भी लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक विल टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। यानी कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेगा, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे, और साथ ही में ये आरबीआई से अपने ट्रेड बिल्स को भी डिस्काउंट करवा सकते हैं। यानी कि अगर पैसों की जरूरत है और कमर्शियल बैंक के पास ट्रेड बिल्स है, तो वो इसको भी डिस्काउंट करवा सकते हैं आरबीआई से। यानी कि इसकी पेमेंट टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले आरबीआई से ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेंट्रल बैंक इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ टू द बैंकिंग सिस्टम। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि आरबीआई का एक बहुत मेजर रोल है और आरबीआई एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में, बिकॉज ये पब्लिक के लिए भी पॉलिसीज बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, एट द सेम टाइम कमर्शियल बैंक को भी अगर कभी जरूरत होती है फंड्स की, तो वो भी आरबीआई ही प्रोवाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट एक्ट्स एज द बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर्स। यानी कि जो भी ट्रांसफर्स होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, वो आरबीआई के थ्रू होते हैं, सेंट्रल क्लियरेंस से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी कि अभी हमने देखा किस तरह आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए एक बैंकर है, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उनके डिपॉजिट्स भी रखते हैं। सेम तरह से आरबीआई गवर्नमेंट के भी बैंकर हैं। यानी कि अब अगर मैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स की बात करूं, तो वो भी आरबीआई मेंटेन करेंगे। अगर गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स की बात करूं, तो वो भी आरबीआई अपने पास रखेंगे। और अगर गवर्नमेंट को भी फंड्स चाहिए या फिर गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट भी आरबीआई के पास इस चीज के लिए जा सकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी कि जिस तरह कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उसी तरह से आरबीआई गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है। तो इट सेज सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के एक बैंकर है। और यहाँ पर जब हम लिखते हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट को चाहिए, वो आरबीआई उनके लिए फुलफिल करते हैं। गवर्नमेंट कीप्स देयर कैश बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट विद सेंट्रल बैंक। यानी कि गवर्नमेंट के जो कैश बैलेंस है, गवर्नमेंट की जो डिपॉजिट्स हैं, वो आरबीआई के पास रहती है और ये गवर्नमेंट के करंट अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं।
और अगेन मैं आपको बता देती हूँ, इस अकाउंट को मेंटेन कौन करेगा? इस अकाउंट को मेंटेन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जैसे कि हमने इसको डिस्कस भी करा था, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू क्रेडिट को यानी कि लोन्स के अमाउंट को और साथ ही में मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, करेंसी एंड क्रेडिट। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है और यहाँ मेंशन किया है कि कैसे आरबीआई लोन्स और मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उससे आपको ये पॉइंट और ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो एक जगह पर मैं लेती हूँ आरबीआई, जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है यानी कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। सेकंड में लेती हूँ कमर्शियल बैंक को, और थर्ड मैं अपने एग्जाम्पल में लेती हूँ पब्लिक को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पब्लिक को चाहिए लोन, ठीक है, पब्लिक को चाहिए क्रेडिट, तो कमर्शियल बैंक उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पर, राइट? पर अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई भी उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा एक सर्टेन परसेंटेज का इंटरेस्ट चार्ज करके, जिसको कहा जाता है बैंक रेट। अब अगर आरबीआई चाहेगा कि इकोनॉमी में लोन्स कम हो, लोग कम क्रेडिट ले पाए, तो उस केस में आरबीआई इस बैंक रेट को सिंपली बढ़ा सकते हैं। अगर इस बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स भी आगे पब्लिक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब इससे, इन दोनों इफेक्ट से, इन दोनों चेंजेस से क्या होगा? इकोनॉमी में जो लोन का लेवल है वो कम हो जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट काफी हाई है। इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब है कि ये लोन काफी एक्सपेंसिव हो गया है, इस पे काफी ज्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसलिए लोन का अमाउंट यहाँ पर कम हो जाएगा। लोग अब लोन कम लेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट कम हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने यहाँ पर लिया है आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, इसी तरह आरबीआई इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। यहाँ पर हमारे फंक्शंस ऑफ आरबीआई कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीआई। अब हम देखेंगे आरबीआई में आरबीआई का कॉम्पोजिशन किस तरह का है। फर्स्ट चीज यहाँ पर मेंशन है, हु इज द कंट्रोलर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई को कंट्रोल कौन करता है। तो आरबीआई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरीज है, फर्स्ट है गवर्नर एंड अप टू 4 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, साथ ही में इनको इनको ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। इस फर्स्ट कैटेगरी को ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, जहां पर गवर्नर और अप टू 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में मेंशन करा है दैट देयर आर अप टू 10 डायरेक्टर्स। यहां पर 10 डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो अलग अलग फील्ड से होंगे। साथ में यहाँ पर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और 1 डायरेक्टर है आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स में से। यानी कि अप टू 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड 1 डायरेक्टर फ्रॉम ईच ऑफ 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ द आरबीआई। यानी कि आरबीआई के जो 4 लोकल बोर्ड्स हैं, वहां से भी हर एक लोकल बोर्ड से एक डायरेक्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहा जाता है, उसी तरह जो सेकंड कैटेगरी है जो हमने अभी अभी कवर करी है उसको नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहा जाता है। यहां पर है 10 डायरेक्टर्स जो अलग अलग फील्ड से आएंगे और साथ ही में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड से, यानी कि हर आरबीआई के हर एक लोकल बोर्ड से एक डायरेक्टर को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा।
तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीआई, इसके बारे में आपको इतना ही पता होना जरूरी है, इतना पता है तो आपके लिए मोर देन इनफ है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करते हैं जो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, जिसमें से फर्स्ट है द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आरबीआई इज द गवर्नर, एंड हु इज द करंट गवर्नर, द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे मैंने कुछ वर्ड्स को बोल्ड में रखा है, इनको मैंने बोल्ड में इसलिए रखा है बिकॉज ये मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज, एक चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब भी किसी चीज का फर्स्ट टाइमर है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर मेंशन है, नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट इंडियन गवर्नर मेंशन है, ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ, इनका नाम आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट सेज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि पहले इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, वो है सी डी देशमुख। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करा है फर्स्ट विमेन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, यानी कि पहली विमेन जो आरबीआई की डेप्यूटी डायरेक्टर थी वो थी के जे उदेशी। और लास्ट पॉइंट है द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई के गवर्नर भी थे वो एक ही है, मनमोहन सिंह, यानी कि द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज मनमोहन सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आरबीआई के जो मैंने यहाँ पर एंड में वन लाइनर फैक्ट्स की तरह लिख दिए, जिससे कि आप इसका एक नोट बना पाए, आप इसको याद रख पाए। तो ये पार्ट था जो हमने आज कवर करना था, जहां पे हमने आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस और उसके कॉम्पोजिशन को कवर किया है। और एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में पहले ही ब्रीफ कर दिया गया है, कर दिया है आपको मैंने ऑलरेडी ब्रीफ। तो जो स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इस अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स को और भी ज्यादा इजिली क्लियर कर पाए। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आप लोगों की स्क्रीन पर ये बेल आइकन आ रहा होगा, इसको प्लीज प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे क्लास के सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे और कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस क्लास की पीडीएफ को मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल अभियान पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, वो अब इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जो भी स्टूडेंट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट दिस, जो भी स्टूडेंट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं वो मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें, जो कि है सोनल10। इसको यूज करने से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बैंकिंग का पार्ट 3 कवर करेंगे।